मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू पैराडाइज वेर स्कूल, जहाँ की आपके भविष्य को बनाया जाता है, उसी का नाम है पैराडाइज वेर स्कूल। सो जिस तरह से देख रहे हैं हमारे देश का हालत है, कोरोना वायरस को लेकर के लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो आप लोग घर में ही रहें, लॉकडाउन का पालन करें, उल्लंघन ना करें, क्योंकि ये एक वैश्विक महामारी है जिसका कोई वैक्सीन कोई मेडिसिन बना नहीं है, ठीक है। तो घर में रहें और घर में सिर्फ घर से ही ऑनलाइन पढ़ाई करें, जैसा कि हमारे स्कूल में अच्छे से अच्छी सुविधा प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इसके माध्यम से लोग वीडियो क्लास ले रहे हैं, तो सारे बच्चे एक्टिव और अलर्ट हो जाएं, ताकि और साथ में सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे, ठीक है। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एंड शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लास थ्री का इंग्लिश ग्रामर चैप्टर टू, सब्जेक्ट है प्रीडिकेट, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कहते किसको, ठीक है, देखते हैं, ठीक है। तो आपके डायरेक्ट सब्जेक्ट कहते किसको है, जो शुरुआत में कोई भी संदेश शुरुआत में लिखा हुआ है, जिसे आप एग्जांपल देते हैं राम इज अ बॉय, इसमें सब्जेक्ट कौन है, राम सब्जेक्ट है, राम क्या है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में सब लोग जानते हैं, प्रेडिकेट बहुत कम लोग जानते हैं। प्रेडिकेट कहते किसको, प्रेडिकेट होता है, सुनने में लगता है बहुत टफ चीज होगा, एकदम बहुत आसान और बहुत ही सिंपल होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। देखिए हम कुछ एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि होता क्या है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, माई कार इज ब्लू, माई कार इज ब्लू, मतलब मेरे कार का रंग कैसा है, ब्लू है, ठीक है, माई कार इज ब्लू। तो आपका आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट समझाने से पहले एक लाइन आपका बुक में दिया हुआ है, वो मैं पढ़ लूं तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ए कंप्लीट सेंटेंस हैज टू पार्ट, एक ये क्या है, ये क्या है, एक कंप्लीट सेंटेंस है, क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है, क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। और ये बोला है कि एक कंप्लीट सेंटेंस का दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है, कंप्लीट सेंटेंस का दो पार्ट होता है, फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है, सेकंड क्या होता है, प्रीडिकेट। समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप समझिएगा, एक कंप्लीट सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक का नाम होता है सब्जेक्ट, एक का नाम होता है प्रीडिकेट। तो आपका एग्जांपल है माय कार इज ब्लू, एक कंप्लीट सेंटेंस है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या कौन है और प्रीडिकेट कौन है, अगर उसको पहचानने का रहेगा तो माय कार जो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और इज ब्लू क्या हो जाएगा, प्रीडिकेट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको कितना इजी लगा होगा, माय कार सब्जेक्ट है और इज ब्लू क्या है, प्रीडिकेट है, समझ रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं इसी के साथ, द बॉयज ड्रोव ए कार, द बॉयज ड्रोव ए कार, ठीक है, लड़के के द्वारा कार चलाया जा रहा है, ठीक है, ड्रोव ए कार, तो द बॉयज क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ड्रोव ए कार क्या हो जाएगा, प्रीडी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सवाल एकदम सिंपल है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस का दो पार्ट होता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो जैसे जब बॉय ड्रोव ए कार, ये भी क्या है, एक कंप्लीट क्या है, सेंटेंस है, क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आप लोग से, कि एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे, नहीं जाने अच्छी बात है, यहाँ पे माय कार इज ब्लू, आप कब बोलिएगा माय कार इज ब्लू, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट हैज ब्लू कलर, जिसे आप मतलब आपका आपके पास ब्लू कलर का क्या है, ठीक है, तो उसी टाइप से या फिर क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द कलर ऑफ योर कार, आपके कार का रंग क्या है, तो आप बोलिएगा माय कार इज ब्लू, तब जब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द कलर ऑफ योर कार, या फिर
सेकंड सेंटेंस के लिए क्वेश्चन होगा क्या, व्हाट डिड द बॉय डू, मतलब लड़का क्या कर रहा है, कार चला रहा है, ठीक है, कार चलाने का बात होता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि क्या होता है। द सब्जेक्ट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स हुम और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, मींस जब भी कोई जैसे माय कार इज ब्लू, ये आपका जो सब्जेक्ट है माय कार वो कैसे आया, कहां से आया, ये दो चीज होता है, एक होता है हुम और एक होता है व्हाट। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा जब The subject is a noun or pronoun. Subject को क्या क्या हो सकता है, noun या फिर pronoun, along with describing word if any. Subject जब बनेगा आपका noun या तो pronoun बनेगा। Subject को कौन कौन बन सकता है, noun या फिर pronoun, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It comes before the main verb. और सब्जेक्ट कब कहाँ आता है, मेन वर्ब के पहले, ये क्या है, वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले आता है क्या, सब्जेक्ट। ये भी यहाँ पे वर्ब तो ऐसे ही है, एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन जब मेन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता सेंटेंस में तो एक्सिलरी वर्ब ही मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो मेन वर्ब के पहले जो आता है वो होता है सब्जेक्ट, यही बोला जाता है। सब्जेक्ट का कहाँ होता है, मेन वर्ब के पहले होता है, ठीक है। द प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब प्रेडिकेट कहते हैं किसको, है तो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट क्या है, माय कार, तो कार के बारे में ही जो कुछ भी बताएगा वो होगा प्रेडिकेट। तो माय कार इज ब्लू, ब्लू क्या है, मेरा गाड़ी का रंग है, मेरा कार का रंग है, क्या है, मेरे कार का। सब्जेक्ट का ही जो खूबी बताता है वो प्रेडिकेट होता है। यहाँ भी देखते हैं, द बॉय लड़के के बारे में बता रहा है, लड़का क्या कर रहा है, तो गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी चलाने का काम लड़का कर रहा है ना, तो लड़के के मतलब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, ड्रो वे कार, ठीक है, ड्रो वे कार आंसर आया, तो वो क्या है, लड़के के बारे में ना बता रहा है कि गाड़ी लड़का के द्वारा चलाया जा रहा है, ठीक है। वही बोला, द प्रेडिकेट इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ प्रेडिकेट बताता है। व्हाट द सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज, मींस सब्जेक्ट क्या है या फिर क्या कर रहा है, वही बताता है प्रेडिकेट। द मेन वर्ब एंड द वर्ड दैट कम्स आफ्टर इट फॉर्म्स द प्रेडिकेट। मेन वर्ब और मेन वर्ब मेन वर्ब, समझ रहे हैं, मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट, समझ गए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटने आ गया, मेन वर्ब या मेन वर्ब के बाद जो कुछ भी रहेगा वो प्रेडिकेट रहेगा और मेन वर्ब के जो पहले रहेगा वो सब्जेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके, उसी हिसाब से दिया गया एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज देख लीजिएगा, आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि पहला एक्सरसाइज में छाटना है कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है, अलग अलग करना है, ठीक है। सेकंड में मैच द फॉलोइंग करना, मिलाना है, ठीक है। सेकंड में क्या है, मैच द फॉलोइंग है, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से मिलाना है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रेडिकेट आएगा, ठीक है। थर्ड में फिल इन द ब्लैंक्स है कि ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर सेंटेंस दिया हुआ है, सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, इसी से छाट करके लिखना है। जैसा कि आपको बताया कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट छटेगा कैसे, ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे और एक्सरसाइज देते हैं। नहीं बस आप लोग का तीन ही एक्सरसाइज है, ए बी और सी, वेरी सिंपल है। फर्स्ट को अंडरलाइन करना है कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। सेकंड में सब्जेक्ट ये है, ये सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है, ए वन से लेके नाइन तक में सारा सब्जेक्ट है, ए से लेके आई तक में सारा प्रेडिकेट है। तो कौन सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रेडिकेट आएगा, ये आप लोग थोड़ा सा
मैच कर लीजिएगा। और तीसरा नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसे आप देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, वी शैल प्ले इन द पार्क टुडे। तो वी शैल प्ले इन द पार्क टुडे, इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है, आप लोग को छटना है, ठीक है। सेकंड में दिया हुआ है द लिटिल ओल्ड लेडी क्रॉस द रोड, उसका भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट छटना है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप एक्सरसाइज कर लीजिएगा और जल्द से जल्द किताब खरीद लीजिए तो आपको बेटर से बेटर समझ में आए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सुरक्षित रहेंगे और इसी तरह हमारे स्कूल का सारा वीडियो को लेटेस्ट अपडेट देखते रहिए और सारा आप लोग क्लास वाइज क्लास करके सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट हर टीचर आकर पढ़ाएंगे। और सुरक्षित रहें, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। धन्यवाद।